बेटा मुझे माफ करना, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे और भूल का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जो गलत किया है उसे सही करना चाहता हूँ। कौन है ये महाराज? ये मेरे एक दोस्त के पिताजी हैं। इनका बेटा हमारे गुरुजी के आश्रम में हमारे साथ था। अच्छा हुआ आप इन्हें यहां ले आए। आज मेरे शिष्यों को भी पता चलेगा कि मां बाप कितने मतलबी हो सकते हैं। दुनिया में ऐसे भी मां बाप हैं जो अपने बेटे को अशुभ समझते हैं, मनहूस समझते हैं। इनके बेटे के पैदा होते ही इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसी वजह से इन्होंने मान लिया कि इनका बेटा मनहूस है। इसके बाद इनका कारोबार बंद हो गया और इनका शक यकीन में बदल गया कि इनका बेटा अशुभ है, मनहूस है, और उसी वजह से इनके जीवन में सब गलत चीजें हो रही है। बेचारा इनका बेटा मिन्नतें करता रहा लेकिन इन्होंने उसे नफरत और डांट के सिवा कुछ नहीं दिया और एक दिन इन्होंने उसे घर से निकाल दिया। इनका बेटा कहता रहा, बाबा मुझे मत निकालिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन इन्होंने उसकी एक ना सुनी। इन्होंने गांव वालों की बात मानी जो इनके बेटे को अशुभ मानते थे। इन्होंने उसे घर से निकाला और गांव वालों ने गांव से, और अब जब बुढ़ापे में इन्हें सहारे की जरूरत है तो ये अब उसी बेटे को वापस ढूंढ रहे हैं। अब जब इन्हें जरूरत है तो प्रायश्चित का ढोंग कर रहे हैं। आप सब बताइए, क्या एक पिता के लिए उसका बेटा अशुभ हो सकता है? नहीं महाराज। रुकिए, अपनी बात बिना कहे मत जाइए। सही कह रहे हो, गलती तो मुझसे हुई है लेकिन उस गलती की सजा इतने साल भुगती है मैंने, और उस गलती का पछतावा मुझे कितना है ये कोई नहीं समझ सकता। मुझे नहीं करवानी अपने बेटे से सेवा, मुझे नहीं बनाना है उसे अपने बुढ़ापे का सहारा, लेकिन मैं अपने बेटे से माफी तो मांग सकता हूं ना, फिर वो चाहे माफी स्वीकार करे या नहीं। पर मैं ये तो कह सकता हूं ना, मैं अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा हूं, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। आपकी बातों की तरह आपके आंसू भी झूठे हैं, निकल जाइए यहां से। Thank you.
पछतावे के बाद तो ईश्वर भी इंसान की गलती माफ कर देता है, फिर संतान क्यों नहीं कर सकते? क्षमाशीलता के बिना प्रेम प्रेम नहीं होता, और प्रेम सैनिक में क्षमाशीलता होनी चाहिए। एक बार इनके बेटे को इनके सामने ले आइए, चाहे तो अकेले में, बिना किसी और के, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। फिर बेटे का जो फैसला होगा इन्हें मंजूर होगा। देर हो चुकी है, माफी मांगने से या माफ करने से कुछ नहीं बदलेगा। आप इन्हें ले जाइए। रामकृष्ण जी, आपने पूरा सच क्यों नहीं बताया सबको? इसका बेटा अपने पिता को पहचानने से इनकार करे वो क्या कहेगा? पर गलती तो मेरी ही है, रिश्ता तो मैंने ही तोड़ा था, अब किस मुंह से उसे अपना कहूं? श्रद्धा और सबूरी रखिए रामकृष्ण जी, वक्त कभी एक सा नहीं रहता है। जैसे उस वक्त आपने गलती की थी, आज आपका बेटा कर रहा है। लेकिन जैसे मालिक ने आपको सद्बुद्धि दी, आपके बेटे को भी देगा। क्या तुम सबको भी ऐसा ही लगता है? तुम्हारे माता पिता गलत हैं? उनकी वृद्धावस्था में अपने बच्चों के साथ रहने की उनकी इच्छा तुम्हें गलत लगती है? रोको उसे। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। लेकिन हम भी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं होने दे सकते। ये सेना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह इस सेना के लिए समर्पित है, और इससे मिलने वाले मौके और सफलता सिर्फ सैनिकों के लिए है। यहां से जाओगे तो वही गरीबों वाला जीवन जीने को मिलेगा। मां बाप का इलाज नहीं होगा तो वैसे ही कुछ समय बाद भगवान को प्यारे हो जाएंगे, और फिर तुम रह जाओगे अकेले इस मलाल के साथ कि तुम अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि तुम बहुत कमजोर निकले। इसलिए सोच लो, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। वापस आ जा बेटा। एक बात याद रखना,
तुम्हारे परिवार की बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं, तुम्हारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जब भी लगे कि तुम गलत कर रहे हो तो लौट आओ। चलिए रामकृष्ण, बाबा आप भी चलिए ना हमारे साथ। चलिए ना बाबा। चलो बेटा, इस वक्त तुम्हारे बाबा ऐसी जगह हैं जहां ना तो पिता संतान को पहचानता है ना ही संतान पिता को। चलो चलिए रामकृष्ण जी। सही कह रहे हो, गलती तो मुझसे हुई है और उस गलती का पछतावा मुझे कितना है ये कोई नहीं समझ सकता। मुझे नहीं करवानी अपने बेटे से सेवा, मुझे नहीं बनाना है उसे अपने बुढ़ापे का सहारा, लेकिन मैं अपने बेटे से माफी तो मांग सकता हूं ना। तो मलहूस है तू, तू निकल जा मेरे घर से और इस गांव से भी। टेंडर कमिश्नर साहब के दोस्त को मिल गया है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन इस बात की खबर कुलकर्णी और बलवंत को भी लग चुकी होगी। ये क्या है? ये है आपके पराजय का प्रमाण पत्र। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं, खोल कर देख लीजिए। वो सतेश्वर खेल गया आपके साथ, टेंडर किसी और को दे दिया। हरिओम। उसकी इतनी हिम्मत। इस निर्जीव कागज को कुचलने से क्या होगा बलवंत जी? कुचलना है तो उसे कुचलिए जिसने आपके पीठ पे छुरा मारा है। सरकार, वो भूल रहा है कि हम उसे बर्बाद कर सकते हैं। अब उस सतेश्वर को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब जेल में ही बनेगा उसका प्रेम नगर। बहुत गड़बड़ हो गई है, बलवंत जी हमसे बहुत नाराज होंगे और आगे हमारे लिए मुश्किलें ही खड़ी करेंगे। बलवंत आगा से जो भी करता है तुरंत करता है। सतेश्वर महाराज, इतनी रात को हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन बलवंत जी ने आपके ऊपर संगीन इल्जाम लगाए हैं कि आपने ही अपने गुरु की हत्या की है। इन
इंसान जितना बड़ा होता है लोग उतनी ही बातें करते हैं, लेकिन कानून कब से सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके कार्रवाई करने लगा? कानून सबूत देखता है, बेबुनियाद इल्जाम नहीं। लाए हैं सतेश्वर जी महाराज, सबूत भी लाए हैं हम हमारे साथ। कुछ दस्तावेज दिए बलवंत जी ने जो ये साबित करते हैं कि जगदीश कुमार नाम के आदमी ने देखा था आपको अपने गुरुजी की हत्या करते हुए जब आप उनको पहाड़ से धक्का दे रहे थे, और उसने आपके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो कहीं गायब हो गया। सपेश्वर, तुम्हारी ये दृष्टता, कई लोग झूठी शिकायत करते हैं लेकिन सबूत देते वक्त गायब हो जाते हैं। उस समय हमारे गुरुजी ने उनकी जगह मुझे चुना था, और ये देखकर कई शिष्य मुझसे ईर्ष्या करने लग गए थे। जगदीश भी उन्हीं में से एक था, लेकिन मेरे और प्रेमा के बयान के आगे उसका बयान खारिज हो गया था, और उसके बाद उसने कोई पहल नहीं की। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये बलवंत जी चाहते थे कि कपड़ों का टेंडर दिलाने में मैं उनकी सहायता करूं, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इनके मील के टेंडर में वो योग्यता नहीं थी। लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी, क्योंकि इनकी मील उस टेंडर के योग्य नहीं थी, और इसलिए ये गड़े मुर्दे उखाड़ कर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते थे महाराज यही कहेंगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं हम। ले आओ उसे अंदर। पहचाना इसे? जगदीश कुमार, हम ही ढूंढ कर लाए हैं इसे। जगदीश बताओ, उस दिन तुमने क्या देखा था? बताओ बताओ। साहब, मैंने कुछ नहीं देखा था। अगर नहीं देखा तो तुमने रिपोर्ट कैसे लिखवाई? आज भी तुमने कहा कि वो रिपोर्ट सही है। सतेश्वर जी ने अभी ठीक कहा, हमारे गुरु सदानंद जी ने सतेश्वर महाराज को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन हम इस बात से खुश नहीं थे और बाकी के शिष्यों ने हमें भड़काया, इसलिए जोश में आके हमने झूठी रिपोर्ट लिखवाई। पर मैं तुरंत रिपोर्ट वापस लेना चाहता था, पर बाकी के शिष्यों ने मुझे धमकाया, इसलिए डर के मारे मैं वहां से भाग गया। और कुछ दिनों पहले ही बलवंत जी के आदमियों ने मुझे ढूंढा, मुझे डराया और धमकाया, इसलिए आज फिर मैंने डर के मारे झूठ बोल दिया। लेकिन सच तो यह है कि सतेश्वर महाराज निर्दोष है। झूठ बोल रहा है यह? क्या लालच दिया है तुम्हें सतेश्वर ने? बोलो, मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं तुम जैसे बिकाऊ लोगों को। कोई दीन ईमान नहीं होता इन जैसे लोगों का। बस तुम बस। बलवंत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सर, ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैं सच उगलवा के रहूंगा इसके मुंह से। लेकिन ये जो भी बोलेगा उस पर हम कैसे विश्वास कर लें कि ये सच बोल रहा है या झूठ? और मुझे भी लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है।
सतेश्वर महाराज के खिलाफ आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सच नहीं है। इन्होंने कभी कोई समस्या खड़ी नहीं की, शांति प्रिय ढंग से ही अपना शिविर चला रहे हैं। व्यक्तिगत होकर आप इन पर कोई गलत आरोप मत लगाइए। तुम जा सकते हो। सतेश्वर जी महाराज परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। चलो। मैं जगदीश को देख के डर गया। जिस दिन आप मुझे धमकी देने आए थे उसी दिन मैंने जगदीश का पता लगा लिया था, क्योंकि मैं जानता था उसकी गवाही बहुत अहम होगी। जी हां, आपके उस शक पहुंचने से पहले ही मैंने उसे अपनी तरफ कर लिया था। बलवंत जी, जहां आपकी सोच रुक जाती है वही मेरी सोच शुरू होती है। चाल तो बड़ी बढ़िया चली आपने। लेकिन मेरी अगली चाल संभाल नहीं पाएंगे आप, संभाल नहीं पाएंगे। लगता नहीं ये हार मानेंगे। जिस जंगल में जहरीले सांप हो वहां रुकना नहीं चाहिए। यहां बलवंत ही नहीं, कुलकर्णी सरकार और साई भी हमारे खिलाफ है। सैनिकों से कहो हमें सुबह होने से पहले हमारे नाशिक वाले आश्रम के लिए प्रस्थान करना होगा। हरिओम हरिओम। अब आएगा असली मजा। अब देखता हूं वो फकीर कैसे रोक पाता है प्रेम सेना को। तुम दोनों एक काम करो, हरिओम हरिओम। तुम्हारे घर पे गया था और तुम यहाँ पे आराम से बैठे हो। पता है वो सतेश्वर महाराज तुम्हारे बच्चों को लेके नासिक जा रहा है। आखिरी मौका है, एक बार देखा अपने बच्चों को वरना दोबारा दर्शन नसीब नहीं होंगे। अब जाकर बोलो उस फकीर से कि रोके उन्हें। साई कहाँ है? साई तो थोड़ी देर पहले शिरडी के पास किसी गांव में गए। साई से तो कुछ भी नहीं छिपता है। उन्हें अवश्य ज्ञात होगा कि सतेश्वर की क्या योजना है। और फिर भी वो भाग गया।
क्या सच में आज रात हम लोग निकल रहे हैं? लगता तो है। क्या हुआ? गुरुजी के आदेश पर तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो हम सबका भला ही सोचेंगे, लेकिन क्या हम सब जाने से पहले एक बार अपने माता पिता से मिलकर नहीं आ सकते हैं? मतलब अब हम उन्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे, तो एक बार, एक आखिरी बार मिल लेने में क्या हर्ज है? वैसे मेरा भी एक बार मेरे बेटे को देखने का मन है। जब जिंदगी का दरवाजा खुल रहा हो तो अपने आप को अतीत की जंजीरों में क्यों बांध रहे हो? जीवन की अनेक उपलब्धियां तुम्हारा इंतजार कर रही है, और वैसे भी जिन रिश्तों को तुम देखने जाना चाहते हो उन्हें छोड़ने की शपथ ली है तुमने। हम जानते हैं गुरुजी, और हम सब आपके साथ हमेशा के लिए चलने को भी तैयार हैं, लेकिन बस एक बार। नहीं, अभी समय नहीं है इन बातों का। आप लोग चलने की तैयारी कीजिए, हमें अभी के अभी नासिक के लिए निकलना है। और वैसे भी हमें अभी प्रेम नगर बनवाने के काम से निकलना है। जैसे ही वो काम पूरा हो जाए तुम सब अपने घर वालों से भी मिल लेना। हरिओम हरिओम, देख लिया तुम लोगों ने, जिसकी तुम भक्ति करते थे वो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़कर चला गया। ये तो होना ही था। और वैसे भूल तुम लोगों की है, उस फकीर की बात मानकर श्रद्धा सबूरी करते रहे हैं? अगर वो कुछ कर सकता तो पहले कर चुका होता। और वैसे भी अगर वो फकीर यहां होता तो भी क्या कर लेता है? उस सतेश्वर के पास हजारों की फौज है, समझे? सतेश्वर जैसे हजार तो क्या, लाखों दुष्टों को भी ठीक कर सकता है मेरा साईं। अच्छा, तो भाग क्यों गया बायजाक का वो? बताइए भाग क्यों गया? अरे उसे पता है उसके पास तुम लोगों को देने के लिए कोई उत्तर नहीं है। फकीर की सच्चाई सबके सामने आ गई है, अब तुम्हारे बच्चों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। हरिओम। सरकार रुकिए, सरकार सरकार रुकिए तो, आप सतेश्वर को रुकते क्यों नहीं है? आपके पास तो लटे थे, इन लोगों को मुक्त करा के आप शिरडी में अपनी जगह वापस बना सकते हैं। बेवकूफ कहीं कहा, आजीवन ये शिरडी वासी उस फकीर के तलवे चाटते रहे, इनके बच्चे जाते हैं तो जाए मेरी भला से। अगर मैंने उन बच्चों को बचा लिया तो शिरडी वासियों को घाव कैसे मिलेगा? और यदि घाव नहीं मिला तो उस फकीर को ये कोसेंगे कैसे? समझे? हरिओम। प्रेम नगर बनाने में तो बहुत समय लगेगा, और उसके बाद, लेकिन हमने सुना है कि एक बार जो प्रेम सेना में शामिल हो जाता है उसे वापस दोबारा उसके घर नहीं जाने दिया जाता, और यहां से तो पूरी प्रेम सेना ही चली जा रही है, तो फिर मेरे आई बाबा का इलाज कैसे होगा? समय आने पर तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अभी संदेह करके अपना समय मत बर्बाद करो। लेकिन आपने आश्वासन दिया था, आपने कहा था कि आप मेरे आई बाबा का इलाज करवाएंगे, उनकी सेवा के लिए लोग रखेंगे। और तुम्हें हमारी बात पर संदेह है? गुरु के वचनों पर प्रश्न उठा रहे हो तुम? प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ महाराज, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हमने तुम सबको
प्रेम सेना में स्वीकार किया, तुम्हारे सपनों को पूरा करने का मौका दिया, और तुम लोग मुझ पर, इस प्रेम सेना पर विश्वास ही नहीं कर पाए अब तक। ये सब इसलिए क्योंकि शिरडी के लोग हस्तक्षेप करते रहे हैं और तुम्हारे मन में हमारे प्रति जहर घोलते रहे हैं, लेकिन अब हमारे बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। इसलिए अब मैं जो कर रहा हूं वो बहुत जरूरी है, तुम सबके भले के लिए है। हमारे कुछ साथी भटक गए हैं, जब तक ये दोबारा सही रास्ते पर नहीं आते हैं तब तक ये लोग तुम्हारी जिम्मेदारी में हैं। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये लोग शिविर से बाहर ना जा सके, और जब हम यहां से निकले तो एक एक आदमी हमारे साथ चले। जी महाराज। एक बार मिल लेने तो महाराज। महाराज क्या कर रहे हैं? क्या हमें जाने दीजिए, हम कसम खाते हैं हम सब वापस आएंगे। हमें जाने दो। जाने दो हमें। आप चाहे तो हमारे साथ चलिए। नहीं केवल, गुरु जी का आदेश है और सारी प्रेम सेना उन पर बहुत विश्वास करती है, और कोई गुरु जी की आज्ञा का पालन ना करे ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी सेना में आपसी मतभेद हो, इसलिए जिस निष्ठा के साथ प्रेम सेना में शामिल हुए हो वैसे ही आज्ञा का पालन भी करो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज ने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने हर प्रेम सैनिक की हर इच्छा का ख्याल रखा है हमेशा, इसलिए आप जिद मत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है इसमें आपकी भलाई है, हम आप सबके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते। प्रेम सेना में हर काम प्रेम से ही होना चाहिए। साईं, ततेश्वर महाराज हमें अपने परिवारों से मिलने नहीं दे रहे हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारी मदद कीजिए। क्या सच में साईं हमारी मदद नहीं करना चाहते? हमने जिंदगी भर साईं को पूजा, आज साईं यहां नहीं है। हमारे बच्चों को सतेश्वर से बचाने के लिए। अब आप लोग शांत हो जाइए, हौसला रखिए। साईं किसी को भी ऐसे मझधार में छोड़कर नहीं जाते हैं, विश्वास रखिए। साईं यहां नहीं है, लेकिन वो जहां भी होगा हमारी चिंताओं से अनजान नहीं होगा, और हम सब हैं, हम सब मिलकर रोकेंगे उन्हें जब तक साई नहीं आ जाता। हाँ काकी, हम सब हैं ना, हम सब चलकर रोकेंगे सतेश्वर को, चाहिए तो और लोगों को बुला लेंगे। हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम उस पापी सतेश्वर को अपने गांव के बच्चों को ले जाने नहीं देंगे। चलिए हमारे साथ चलिए। जो गलतियां मैंने अपने बेटे के साथ की आज वही वो दूसरों के साथ कर रहा है। इन लोगों की तकलीफ का जिम्मेदार मैं ही हूं, मुझ जैसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं। रामकृष्ण जी, गलती का एहसास है तो उसे भागिए मत, उसे स्वीकार करिए और उसे सुधारिए। आ, 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 आ,
आप शिरडी के साईं बाबा हैं ना? बाबा ये जानता हूं इन्हें, हो जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साथ छोड़ दो। हमें जाने दो महाराज, महाराज जाने दो महाराज, महाराज हमें जाने दो महाराज, हमें ऐसे बंदी मत बनाओ, जाने दो महाराज, दया करो महाराज, जाने दो महाराज, हमें अपने घर वालों से मिलने दो। बाबा देखो ना, ये लोग हमें जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम इनके बहकाव में आकर गलत राह चुन ली है, ये हमें बाहर नहीं जाने दे रहे, हमें फंसा के रखा है, हमें जाने दो महाराज। ये क्या हो रहा है सतेश्वर? आपने तो कहा था कि आपकी ये प्रेम सेना में सबको आजादी है, तो फिर ये जबरदस्ती क्यों? इन्हें जाने दो। कैसे परिजन है आप सब? आप सबके बच्चों का भविष्य बनने जा रहा है और आप इन्हें रोक रहे हैं? आप सबको तो शर्म आनी चाहिए कि आप सभी इतने स्वार्थी हैं। देखा तुम सबने, ये होता है परिवार। यहां हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं और ये समाज और परिवार हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। कोई आगे बढ़े इनसे बर्दाश्त नहीं होता ये, लेकिन मुझे तुम सबकी फिक्र है और तुम सबको सैनिक बनाते वक्त मैंने भी शपथ ली थी कि तुम सबका भविष्य बनाकर रहूंगा मैं, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। आप सबने आज तक अपने बच्चों का भविष्य सोचा नहीं, कम से कम अब तो उन्हें जीने दो और जाने दो। अपनी सेवा कराने के लिए उनसे उनका उज्जवल भविष्य मत छीनो। तुमने परिवार को जाना कहाँ है सतेश्वर? असली परिवार में जोर जबरदस्ती नहीं होती, सब लोग खुशी से अपनेपन से एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं अपनी इच्छा से। लेकिन तुम्हारी प्रेम सेना में सबको बंधक बना के ही रख लिया जाता है। तुम सोचते हो तुम्हारे सैनिकों ने हमारे बच्चों को घेर कर ये दिखाया कि तुम कितने ताकतवर हो, लेकिन आज तुम असली परिवार की ताकत देखोगे। ये पूरा गांव एक परिवार है और आज तुम्हें ये परिवार अपने बच्चों को कहीं ले जाने नहीं देगा। तुम सब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ये लोग तुमको ललकार रहे हैं। आगे बढ़ो और हटाओ इन्हें। देखिए आप लोग रास्ते से हट जाइए, महाराज हम सबका भला चाहते हैं, आपके बच्चों का भी। अपने बच्चों का भला हम सोच सकते हैं? इनसे बहस करके कुछ नहीं होगा, धक्का मारो और मार के हटाओ इन्हें। महाराज ने ऐसे कभी नहीं कहा, ये तो बच्चे बूढ़े और महिलाएं, इन्हें हाथ कैसे लगाएं? महाराज ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा, हमें उनकी बात पे शंका नहीं करनी चाहिए, हटाओ इन्हें। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो, आगे जाओ और हटाओ इन्हें।
सदानंद महाराज। मतलब सत्येश्वर महाराज के गुरुजी? हाँ। लेकिन ये तो अपने गुरु से नहीं मिलेंगे। ये किस मुंह से मुझसे मिलेगा? इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मैं यहां तक नहीं आ सकूं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? महाराज तो आपको बहुत मानते हैं, आपके विचारों को ही सबको बताते हैं। अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ सफलता के पीछे भागना, ये मेरी शिक्षा नहीं हो सकती, नहीं मेरे संस्कार हो सकते हैं। इसकी गलत विचारों के कारण मैंने इसे अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि तू मेरे अन्य शिष्यों का मन दूषित कर दे, मैं तुझे निष्कासित करता हूं। गुरुजी, एक भले परिवार ने मुझे बहते हुए पानी में डूबने से बचाया। मैं पिछले कई वर्षों से बेहोश था। आज साईं के आशीर्वाद से मुझे होश आया। प्रेमा ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया, हमसे झूठ बोला। हाँ झूठ बोला मैंने सबसे, लेकिन मैंने किसी को धोखा दिया क्या? कभी नहीं। अगर गुरुजी के पद चिन्हों पर चलते तो तुम्हारा जीवन बर्बाद ही होता, आबाद नहीं। मैंने तुम सबके सुख साधनों का ध्यान रखा, तुम्हें आजादी से जीना सिखाया और आज तुम सबके लिए प्रेम नगर बनवा रहा हूं ताकि खुशी से तुम सब जी सको। धोखा तो दिया है तुमने हमें, हम सबको हमारे परिवार से दूर रखा, बंदी बनाकर। परिवार 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 क्या होता है ये परिवार? एक रोग, एक ढोंग। इससे मुक्त होकर भी जीवन जिया जा सकता है, जिससे दूर रहकर ही इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। मैंने खुद झेला है जब मेरे बाबा ने मुझे अपशगुनी कहा, अशुभ समझा और मुझे घर से निकाल दिया मार के। इसलिए मैं कभी नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे पर परिवार का साया भी पड़े। और इसीलिए तुमने अपने पिता की गलती की सजा इन मासूमों को देना शुरू कर दिया। ऐसा करके तुमने अपने पिता की बात को सच साबित कर ही दिया सतेश्वर, क्योंकि तुम जहां भी गए तुमने लोगों को अपने परिवारों से अलग कर सिर्फ मनहूसियत ही फैलाई। धिक्कार है तुम पर सतेश्वर, धिक्कार है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारे गुरुजी के बारे में गलत बताया, हमें बहला फुसला के हमारे परिवारों से दूर रखा। इतने समय से हम ये भी नहीं जान पाए कि हमारा परिवार कहाँ है, किस हाल में है। सिर्फ इसकी वजह से हम इस डोंगी को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे इसे, नहीं छोड़ेंगे इसे, नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ। अगर मारना है तो मुझे मारो। मेरा बेटा ना तो मनहूस है और ना ही बुरा इंसान। इसकी ये हालत तो मैंने की है। मैंने इसके साथ जो बर्ताव किया है उसी की वजह से इसके मन में परिवार के प्रति इतना जहर भरा है। असली मनहूस तो मैं हूं। भगवान ने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया, लेकिन मैंने उसे क्या बला दिया। मुझे माफ करो बेटा, मुझे माफ करो।
प्रतिशोध, ये ऐसी भावनाएं हैं जो इस जीवन सागर में मनुष्य पर बोझ बनकर उसको डुबोने का काम करती हैं। उद्देश्य तो सागर को पार करना है। कहने को तो तुम गांव से, परिवार से, घर से चले गए, लेकिन तुम आज भी वहीं हो, अपने को मुक्त नहीं कर पाए हो। तुम खुद अपने स्मृतियों के बंधक बनके जीते रहे हो इतने साल। गलती तुम्हारे बाबा ने की, सच है, लेकिन तुमने अपना जीवन पथ उसी गलती के प्रतिशोध के रूप में चुन लिया। एक बार इस पत्थर को दिल से निकालकर फेंक दो, एक बार कोशिश करके इन्हें माफ कर दो, फिर देखो कैसे तुम्हें असली खुशी, असली स्वतंत्रता का बोध होता है। तुमने बहुत सहा है, आज भी सह रहे हो, लेकिन इस रोग से मुक्त होने की शक्ति सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अपने बाबा को माफ करके इनके प्रेम का स्वीकार करो, इनका प्यार तुम्हारा हर घाव भर देगा, क्योंकि इनका पछतावा पूरी तरह सच्चा है। बाबा, बेटा, सतेश्वर ने झूठ बोलकर आपका स्थान लिया, लेकिन इसने आपको धक्का नहीं दिया था, वो तो केवल एक दुर्घटना थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे मन में नफरत भर गई थी, मुझे माफ कर दीजिए आप सभी। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। नहीं मिलेगी माफी इन दोनों को। हमें हमारे परिवार से दूर रखकर तुम अपने पिता से एक नहीं हो सकते हो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे बाबा मेरे बिना कैसे जिए होंगे। अरे वो जिंदा भी है या नहीं, हमें बदला चाहिए। हम इसे इसके पापों की सजा देकर रहेंगे। जरूर दो सजा, लेकिन सिर्फ इसे क्यों? सजा तो हर उस इंसान को मिलनी चाहिए जिसने पाप किया है। तो पहले ये तो तय कर लें कि पाप क्या है। एक माँ बाप ने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला, अपनी सारी पूंजी उसकी पढ़ाई में, उसके लालन पालन में लुटा दी, बेटे को एक अच्छी नौकरी भी मिली, लेकिन उसने अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय एक अनजान आदमी की बातों में आकर अपने माता पिता को छोड़ दिया, इस आस में कि उसके जीवन में और अच्छा और बड़ा कुछ होने वाला है। तो क्या गलती उस इंसान की नहीं? सतेश्वर के पास तो अपने परिवार के प्रति घृणा करने का एक कारण तो था, लेकिन तुम सबके पास क्या कारण था अपने माता पिता को छोड़ने का? तुमने अपने लालच में उनका त्याग किया, तो दोषी तो तुम सब हो। सजा तुम सबको मिलनी चाहिए। और यही पछतावा तुम्हारी सजा है। यह एहसास कि तुमने अपने परिवारों के साथ गलत किया,
ये सजा। गलती तो सबसे होती है, लेकिन जिसे गलती का एहसास हो जाए, उसे पछतावा हो और वो सीख जाए, तो उसे माफ कर देना चाहिए। अब तुम सब भी अपनी गलती से सीखो और अपने घरों में वापस जाओ। आप ठीक कह रहे हैं साई, गलती हमारी भी है, हम अपने परिवार वालों के पास वापस जा रहे हैं साई। राम जी भला करें। बेटा, कल से एक नई शुरुआत करते हैं, साईं के आशीर्वाद से। राम जी भला कर। इंसान पतंग है तो परिवार उसकी डोर। बेशक ये डोर पतंग को बांधती है, लेकिन उसी के कारण पतंग सही दिशा में उड़ती भी है, ऊंचाई तक जाती भी है। और अगर ये डोर कट जाए तो पतंग दिशाहीन होकर नीचे गिर जाती है। तो एक छोटा सा घर बनाऊंगा, वहां बहुत बड़ा आंगन हो, वहां मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, जैसे यशोदा मैया का था ना, यहाँ कृष्णा भगवान बड़े हुए। मैं तो एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे कमरे होंगे, एकदम राम जी की अयोध्या की तरह। साई, हमने आज तक सारे भगवानों के घरों के बारे में सुना है, लेकिन शिव जी का घर कैसा है हमें तो आज तक पता ही नहीं चला। आप तो जानते होंगे ना कि कैलाश पर्वत में उनका कितना बड़ा घर है। एक बार माता पार्वती के जिद पर भगवान शिव ने एक सोने का भव्य महल बनाया। उस महल को बनाने के लिए उन्होंने एक बड़े ही विद्वान पंडित को चुना। जब महल बनकर तैयार हो गया, तब गृह प्रवेश की पूजा भी उस पंडित ने ही की। लेकिन जब पंडित की दक्षिणा की बात आई, तो उसने शिवजी से वो सोने का महल ही मांग लिया। शिवजी ने क्या किया साई? शिवजी तो भोलेनाथ हैं, जो दक्षिणा मांगी उन्होंने दे दी। लेकिन इस बात का माता पार्वती को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने उस पंडित को श्राप दिया कि तुझे बहुत लालच है ना इस सोने के महल का, तो एक दिन ये महल जलकर राख हो जाएगा। पंडित ने कहा, ना ये महल जल सकता है और ना ही टूट सकता है। तब पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, ये महल और तुम्हारा अहंकार दोनों तोड़ने के लिए तो एक बंदर ही काफी है। जानते हो बच्चों, वो पंडित कौन था? रावण। वो महल मतलब सोने की लंका, और वो वानर बजरंगबली। लेकिन बच्चों, कई लोग ये भी मानते हैं
कि रावण का वो महल मांगना शिवजी की ही मर्जी थी, क्योंकि पहाड़ों पर खुले आसमान के नीचे रहने वाले शिवजी को महल से क्या मोह। लेकिन पहाड़ों पर तो बहुत ठंड होती है, ऐसे में शिवजी बिना घर के कैसे रहते हैं? भाजी, अरे शंकर जी तो स्वयं भगवान है, तो कितनी भी धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, भगवान को कहाँ कुछ होता है भला। जैसे साई को कुछ नहीं होता है, ये भी तो यहाँ इस खुले द्वार का माई में रहते हैं। और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहता है, साई सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, यही रहता है। आप सबने मिलकर इसकी इतनी अच्छी मरम्मत जो की है, छत भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बारिश में छत टपकती नहीं है, लेकिन ये घर तो नहीं है ना, ना ठंड रोकने के लिए यहाँ दीवारें हैं, ना तुम्हारे विश्राम के लिए कमरे हैं। मेरी हमेशा से ये इच्छा थी कि तुम्हारा भी एक ऐसा घर हो जैसा हम सबका है। भाई साहब बिल्कुल सच कह रही है साई, हम सबका मन था कि आपका एक घर हो, हम सब आपके लिए एक घर बनाएं। कई बार आपसे पूछा भी हमने, लेकिन आप है कि कुछ जवाब ही नहीं देते। क्यों जवाब नहीं देते हो, और ऐसा क्या पीस रहे हो जो आज भी इसका जवाब नहीं दे रहे हो? कोई है जिसकी माँ बहुत बीमार है भाई साहब, उन्हीं के लिए औषधि बना रहा। सबकी माओं की चिंता करते हो, लेकिन अपनी माँ को जवाब भी नहीं देते हो। पायजामा, आपके मन की बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि अब मैं भी चाहता हूं कि शिरडी में मेरा भी घर बने। कोई है जो शिरडी में मेरे लिए घर बनाएगा? ऐसा भाग्यशाली इंसान कौन है साई? वेट जी, मेरी आई की हालत और बिगड़ती जा रही है। बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरी आई को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ बाबू साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने अंग्रेजी डॉक्टर को लाने के लिए गाड़ी वान को भेजा है, पता नहीं कब तक आएंगे। बोटिया आई, आई तू चिंता ना कर बेटा। आई आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आई आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं हूं ना, आप सिर्फ आराम करिए। मुझे नींद नहीं आ रही है बेटा। आपको याद है जब मैं छोटा था, मुझे नींद नहीं आती थी, तो आप मुझे लोरी गा के सुना दी थी। तू लोरी गा कर सुना दे, शायद अच्छी नींद आ जाए। मिलिया अखियों में आना, संग सलोने सपने बिलाना, नींदिया आई।